मेरा नाम रविंद्र नाथ है और मैं ग्राम रामपुर पोस्ट रसड़ा जिला बलिया यूपी से हूँ। 2014 का लोकसभा चुनाव होने वाला था और जगह जगह मोदी जी की रैलियां हो रही थी, पूरे हिंदुस्तान में वो छाए हुए थे और ये लग रहा था सबको, खास करके हमारे देश के युवाओं को का रुझान बहुत ज़्यादा था उनकी तरफ, तो लगा कि नहीं मोदी जी हमारे देश के लिए अच्छा करेंगे। एक लहर सी आई उनकी और उसी लहर में वो सारी पार्टियों पे मतलब हरा करके बहुत बड़ी जीत हासिल किया उन्होंने। तो चूंकि हम कभी बीजेपी सपोर्टर नहीं रहे हैं, लेकिन उस पीरियड में मोदी लहर के दौरान हमने भी मोदी जी को वोट दिया। वोट देने के बाद जब उनकी सरकार बनी, जीत कर आए, छः महीने में हमने देखा कि कच्चे तेल और अनाज दाल वगैरह सब सस्ते हुए हैं, तो ऐसा लगा कि शायद अच्छा होने वाला है। तो लिखना शुरू किया था मैं, उसी बीच में ये मुझे सूझा कि मतलब मोदी जी पे एक लिखा जाए, तो मैंने मोदी लहर लिखा जी कि मोदी लहर, ये मोदी लहर फिजा में जैसे गई है ठहर, कच्चे तेल और अनाजों के कीमत में कमी आई, ऐसा लग रहा है कि अब घटेगी महंगाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अच्छे दिन के सपने साकार होंगे, मोदी लहर जन जन में गूंजेगी, नरेंद्र मोदी ही अस्थाई सरकार होंगे, मोदी जी तुम जाओ ठहर, ये मोदी लहर, ये मोदी लहर। हालांकि एक कड़ी मैं आपको सुनाया हूँ, इस पर कई सारी कड़ियाँ मैंने लिखी थी और अभी भी मेरे पास है, याद मुझे पहली कड़ी है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मैंने देखा कि मोदी जी के सत्ता में कुछ अलग ही होने लगा है और जो मानवता के लिहाज से देखा जाए तो नहीं होना चाहिए, आज भी ऐसा चल रहा है, हो रहा है कि उसमें मानवता तो नज़र ही नहीं आती, लोकतंत्र कहीं नज़र नहीं आता। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, 70 साल हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए और लोग कहीं भी आपस में बातचीत करते हुए या कहीं भी कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि हम स्वतंत्र देश के बात हैं। लेकिन मैंने जब देखा तो मुझे कतई ये एहसास नहीं हुआ कि हम कहीं आज़ाद हैं और हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। आपका दादरी कांड हुआ, बीफ को लेकर इतना हंगामा, क्या क्या मतलब हमारे देश के टीचर ख़त्म हो गए हैं, जो हमारी सरकारें अब जो है वंदे मातरम और भारत माता की जय सिखाने आ रहे हैं। बच्चों को बचपन से ही केजी से ही टीचर स्कूल में क्या सिखाते हैं, वंदे मातरम, राष्ट्रगान, भारत माता की जय, सब कुछ सिखाते हैं, तो क्या उनका सिखाया कम है जो आज आप सिखाने लग गए? उनसे स्टूडेंट देशभक्ति नहीं सीखे या जो उन्होंने शिक्षा दी उसको ग्रहण नहीं किया? अगर आपको ऐसा ही करना है तो आप शिक्षक बन जाइए, सरकार चलाने क्या ज़रूरत है आपको? तो ये सब चीज़ें, रोहित बेमुला कांड, दादरी कांड, साउथ में एक राइटर को मार दिया गया सत्य बोलने पे, जो सत्य बोलते हैं वो बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ा दुख मुझे इस देश में ये लगता है कि हम अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, लेकिन किसी के बारे में बोलने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। कोई भी कह देता है कि पता भी है आप किसके बारे में बोल रहे हैं, फिर हम काहे का स्वतंत्र, भाई किस बात के लिए स्वतंत्र हैं? तो उसी पे मैंने एक शीर्षक देकर लिखा कि हम स्वतंत्र देश के वासी हैं, देश हमारा भारत है, हम प्यार के अभिलाषी हैं और कहते हैं बड़े गर्व से हम स्वतंत्र देश के वासी। वो आज़ादी क्या आज़ादी है, वो आज़ादी क्या आज़ादी है जहाँ कह ना सके कोई मन की बात, और कह जो दिया हकीकत कोई उसे मिली अवैध फांसी है, और कहते हैं बड़े गर्व से हम स्वतंत्र देश के वासी। करते नहीं जो सेवा अपने माता पिता की, रखते हैं वो ज्ञान बड़ा धर्म समाज और गीता की, ढोंग छले और दिखावा यहाँ सिर्फ यही एक उदासी है, और कहते हैं बड़े गर्व से हम स्वतंत्र देश के वासी। झूठ पाप और अत्याचार यहाँ सर पर चढ़कर बोले, और किस्मत से कोई सच्चा सिपाही, किस्मत से इसलिए कि सारा प्रशासन हमारा जो भ्रष्ट है, कोई अगर एक सच्चा आ गया अपनी वर्दी की लाज निभाने को तैयार हो गया, तो किस्मत से कोई सच्चा सिपाही अगर पाप की गठरी खोले तो कर देते हैं मजबूर उसे जो देश के दुश्मन नासी हैं, और कहते हैं बड़े गर्व से हम स्वतंत्र देश के वासी। ये 2016 के फरवरी में मैंने कविता लिखा था, उस टाइम 7वां वेतन अलाउंस हुआ था, लागू नहीं हुआ था,
2016 के जुलाई में लागू होने वाला था, ये फरवरी में मैंने लिखा कि सातवां वेतन लगने को है, पब्लिक फिर भी ठगने को है, हक हमारा कब मिलेगा, इस न्याय की जनता प्यासी है, कहते हैं बड़े गर्व से हम स्वतंत्र देश के वासी हैं, जय हिंद जय भारत। इसी के साथ ये मेरी कविता समाप्त होती है।